हर जगह का स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो आपको एक जैसा ही मालूम पड़ेगा। कमरे तो उसकी दीवार तो भाई बहुत ही विशाल है यार, 13वीं शताब्दी का बना हुआ कुआ आज भी हमारे सामने है और अंदर आते ही आपको ये खंडर नुमा आकृति नजर आएगी चारों तरफ। देखिए तो दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में और आज आप देखने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक का बनाया हुआ महल किला और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। यहाँ से तो इसकी एंट्री होती है, मेरे पीछे से देखिए वहाँ पे, वहाँ से इसका मेन गेट है जहाँ से आप टिकट देकर अंदर आ सकते हैं और अंदर आते ही आपको ये खंडर नुमा आकृति नजर आएगी चारों तरफ। देखिए बिल्कुल खंडर बने हुए हैं, दीवारें हैं, पत्थर है, छत नहीं है और दोस्तों इसके लास्ट में एक मस्जिद बनी हुई है जिसे जामी मस्जिद, शाही जामी मस्जिद कहते हैं और आपको यकीन नहीं होगा मस्जिद खुली हुई है और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आपको हर बार टिकट लेना पड़ता है, यानी कि 25 रुपये का यहाँ का टिकट है। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आपको 125 रुपये हर दिन सिर्फ नमाज अदा करने के लिए खर्च करने पड़ेंगे, जो बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत बुरी बात है। सरकार को कम से कम जो नमाजी आते हैं उनके लिए तो टिकट फ्री होना चाहिए। तो उस मस्जिद को भी आप देखेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो चलिए चलते हैं आगे। ये जो है ना किले का बिल्कुल दाहिने हाथ पर सबसे लास्ट में है और ये भी किले का ही हिस्सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर खंडर खंडर बचे हैं। किस काम में ये आता था कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि अभी देखे एक कमरा तो यह हुआ, इसके अंदर पेड़ है और वहाँ सामने वहाँ पर देखो आप 2-3 कमरे की जगह दिखेगी, 1-2-3 और इसी तरह उसमें सीढ़ियाँ भी बनी है ऊपर जाने के लिए। थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा अगर वहाँ पर गया, क्योंकि बंद है ये भी और इस साइड भी, ये कमरे वगैरह हुआ करते थे। अब ये किस काम के लिए यूज़ में आते थे खंडर को देखकर कुछ नहीं कह सकते। ये भी सिर्फ नीचे का हिस्सा ही बचा हुआ है, ये वाला जो देख रहे हैं आप ये वहाँ पे, और वहाँ पर कुछ दीवार बची है, ये भी खंडर है और अब तो सिर्फ ये बचा हुआ है, क्या पता कुछ दिन बाद इसका भी काम तमाम हो जाए। लेकिन क्योंकि अब सरकार थोड़ी सा ध्यान दे रही है तो सकता है बच जाए, मरम्मत तो इनकी नामुमकिन है क्योंकि भाई वो राजा थे उन्होंने कर दिया, लेकिन अब तो भैया कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ से देखें ये चीज़, ये भी कमरे वगैरह हुआ थे, अब तो कुछ भी नहीं है इसमें, बीच में गार्डन है, यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह रहते होंगे शायद, क्योंकि वहाँ पे ड्राम पानी का और कपड़े वगैरह टंकी वगैरह रखी हुई है अलमारी जिसमें कपड़े रखते हैं। और ये दीवार है किले की, ये दीवार बना रखी थी जो बहुत लंबी है, लगभग 5 से 6 मीटर ऊंची है ये दीवार। अब हम पहुंचे हैं फिरोज शाह तुगलक के इस किले के कुएं के पास, सामने आप देख सकते हैं इसके अंदर रास्ता जा रहा है कुएं का, लेकिन फिलहाल यहाँ से बंद है तो अभी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कुआं। ये देखो दोस्तों ये कुएं का रास्ता है, आप देख सकते हैं कितना गहरा बनाया होगा कि आज भी ये जो यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह है उस किले को, गार्डन का जो पानी है ना, गार्डन में जो पानी जाता है वो इसी कुएं से जाता है। यहाँ पर बोरिंग वगैरह कर रखा है, देखिए अभी अंदर जाके दिखाता तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन क्या करूँ यहाँ पर काम चल रहा है जिसकी वजह से बंद कर रखा है। ये देखिए 13वीं शताब्दी का बना हुआ कुआं आज भी हमारे सामने है, ये एक तरह से जैसे मैंने आपको बावड़िया दिखाया ना उस तरह का ही बना रखा है। और देखो ये मतलब यहाँ कुआं है और कुएं के सामने वो पिरामिड नुमा आकृति है और उसके पास शाही जामा मस्जिद, यहाँ पर कुछ कमरे वगैरह है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाए। और ये तो कुआ है ना, ये बिल्कुल गोल है, मतलब गोल बावड़ी जिसे कहते हैं ना उस तरह का ये बना हुआ है चारों तरफ से देखिए, और ये परमानेंट ही बंद कर दिया। मैंने भी गार्ड से बात की तो उन्होंने कहा कि परमानेंट बंद है। भाई और बहनों आप देख रहे हैं दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटले का किला जिसे फिरोजाबाद भी कहा जाता है। दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक किला है, इसका निर्माण 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। कुछ इतिहासकार बताते हैं 1354 ईस्वी में इस किले का निर्माण किया गया था। दिल्ली में स्थित दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस किले का निर्माण करवाया था। किले के निर्माण का उद्देश्य एकमात्र था प्रशासनिक और सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को करना। इस किले में बहुत सारे ऐसे इतिहास छुपे हुए हैं, ऐसे राज छुपे हुए हैं जो आज तक भी
खुल नहीं पाए। आइए जानते हैं फिरोज शाह तुगलक किले का इतिहास। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने यह किला अपनी नई राजधानी फिरोजाबाद के रूप में बनवाया था। यह शहर दिल्ली के 7 ऐतिहासिक शहरों में से एक था। किले का निर्माण मुख्य प्रशासनिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए ही किया गया था और इसमें महल, मस्जिद, बावड़ी और भी अन्य बहुत सारी रचनाएं इस किले के अंदर देखी जा सकती थी और आज भी देखी जा सकती है। लेकिन बहुत सारे खंडर ऐसे बन गए हैं जिनका सामाजिक और राजनीतिक क्या कार्य हुआ करता था, यह बताना बहुत ही मुश्किल है। अगर इसके आर्किटेक्चर की मैं बात करूं तो दिल्ली के इस किले को बहुत ही जबरदस्त तरीके से आर्किटेक्ट किया गया था। किले की संरचना में तुगलक वंश की वास्तुकला शैली का प्रतीक देखा जा सकता है, जिसमें मजबूत दीवारें, विशाल दरवाजे और ऊंची मीनार भी शामिल है। किले में अशोक स्तंभ भी है जिसे मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से अशोक पिलर को दिल्ली तक लाया गया और उसके लिए एक पूरी इमारत बनाई गई जिसे पिरामिड नुमा आकृति भी कहा जाता है। उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो में भी मैं आपको वो दिखाने वाला हूं। अगर मैं बात करूं इस किले में जो महत्वपूर्ण रचनाएं आज भी मौजूद है जिन्हें लोग देखने जाते हैं, और उनकी हालत तो बहुत ही खराब है लेकिन फिर भी लोग उन्हें देखने के लिए हर साल बहुत सारे लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले है इसमें जामे मस्जिद जो किले के बिल्कुल लास्ट में यमुना नदी के किनारे पर बनी गई थी। यह किले की सबसे प्रमुख मस्जिद है और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई यह एक विशाल और सुंदर मस्जिद है जो आज भी यहाँ की मुख्य आकर्षणों में से एक मानी जाती है। अशोक स्तंभ, यह स्तंभ किले के अंदर स्थित है। यह प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उस किले के उस पिलर पर जो लिखा गया है वो इतिहास आज भी देखा जा सकता है। इतिहास के विभिन्न चरण की अगर हम बात करें तो इस किले से जुड़े हुए हैं। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई और किले पर भी किसी दूसरे का अधिकार हो गया था। मुगलों में किले का कुछ हिस्सा उपयोग में लाया जाता था लेकिन धीरे धीरे ये ऐतिहासिक धरोहर बिल्कुल खंडर में बदल गई। हालांकि मुगलों ने नहीं चाहा कि इस किले का पुनर्निर्माण किया जाए, अगर वो चाहते तो इस किले को और अधिक मजबूत बना सकते थे, इस किले की मरम्मत करवा सकते थे और इसको इस तरह से बनाया जा सकता था कि आज भी यह किला सुरक्षित और सुसज्जित देखा जा सकता था। लेकिन मुगलों ने पुराने किलों को मरम्मत ना करवा के नए किलों को बनवाने में ज्यादा महत्वता दी। उनका मानना था कि जो ये अनगढ़े पत्थरों का निर्माण है ये एक ना एक दिन खंडर बदल जाएगा, इसलिए मुगलों की ज्यादातर आप इमारतें देखेंगे तो उसमें लाल बलुआ बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है या फिर संगमरमर पत्थरों का। अब हम फिरोज शाह तुगलक किले के उस स्थान पर आ गए हैं जहां पर कभी रानियों के कमरे हुआ करते थे लेकिन आज इनके ऊपर से छत गायब है। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक वंश का तीसरा शासक था जिसने 1351 से 1388 तक शासन किया। उनका शासन काल अपने प्रशासनिक सुधारों, स्थापत्य कार्यों और धार्मिक सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक से जुड़ी हुई कई ऐसी रोचक कहानियां हैं जो दरअसल हकीकत है कि बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते हैं, खासकर वो लोग जिनका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। आज मैं आपको फिरोज शाह तुगलक की शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ उसके जीवन में उन सभी कार्यों को दिखाऊंगा, गिनवाऊंगा जो उसने अपने जीवन में किए। सबसे पहले मैं आपको शिक्षा और धार्मिक कार्यों के बारे में बताता हूँ। फिरोज शाह तुगलक शिक्षा के बड़े समर्थक थे। उन्होंने कई विद्यालयों, मदरसों की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत और फारसी साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहित भी किया था। ऐसे रोचक तथ्य यह है कि फिरोज शाह ने संस्कृत और फारसी में कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद भी कराया जिसमें आयुर्वेद के ग्रंथ भी शामिल है, जिससे पता चलता है कि शिक्षा को लेकर फिरोज शाह तुगलक की सोच कितनी उम्दा हुआ करती थी और वो कितने आगे तक की
सोच रखा करते थे। अब मैं बात करता हूँ जल प्रबंधन और सिंचाई के बारे में। शाह तुगलक ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उन्होंने कई नहरें, जलाशयों का निर्माण कराया। एक उल्लेखनीय कहानी यह है कि उन्होंने यमुना नदी से एक नहर निकाली जिसे फिरोज शाह नहर कहा जाता था और कुछ जगहों पर उसे फिरोजा नहर भी कहते थे। यह नहर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराती थी। इसके अलावा उसने कई कुएं, नलकूप भी बनवाए, तालाब बनवाए, सिंचाई के लिए जितनी हो सके किसानों की मदद की। जल प्रबंधन के बारे में फिरोज शाह तुगलक का कहना था कि पानी की कमी ना होने पाए, क्योंकि पानी ही खेती की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। प्रजा की चिंता में वो हमेशा रहते थे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। एक कहानी के अनुसार उन्होंने एक बार अपनी प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए भेष बदल कर शहर में घूमना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात भी की, उनकी समस्याओं को सीधे सुना। इससे उन्हें अपनी प्रजा की वास्तविक समस्याओं का पता चला और उन्हें खत्म करने के लिए उसने सारे कार्य किए। इसलिए हमें पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक अपनी प्रजा के, खास तौर पर उनके सुख और चैन के लिए बहुत सारे कार्य किए थे और उनके लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। दिन हो या रात, हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए और उनकी खुशी के लिए कार्य किया करते थे। इन सब जिम्मेदारियों के अलावा फिरोज शाह तुगलक को खेल और मनोरंजन का भी बहुत ज्यादा शौक था। फिरोज शाह तुगलक खेलों के बड़े प्रशासक माने जाते थे। एक कहानी यह है फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि उन्होंने चोगान, एक खेल है जिसे पोलो के खेल को बहुत पसंद किया जाता था, इस खेल को अपने दरबार में प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने अपने सैनिकों और दरबारियों के लिए चोगान खेलने के मैदान भी बनवाए। मैं आपको बता दूं, चोगान एक बाहर का खेल है जो आज भी अफगानिस्तान, इराक, ईरान में खेला जाता है। दोस्तों, सूखे से निपटने के लिए बहुत ही ज्यादा कार्य हमेशा सरकार के द्वारा किए गए हैं। फिरोज शाह तुगलक भी ऐसे हालात से, जब किसानों के खेत खराब हो जाते थे, पानी के कारण जल जाया करते थे या कोई बीमारी आपदा आया जा करती थी, तो ऐसे वक्त में खाने और राहत के कार्यों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। चाहे वो किसी की भी सरकार हो या किसी का भी राज हो, हमेशा से राहत कार्य और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए राजकोष में इकट्ठा किया जाता था बहुत ही ज्यादा मात्रा में धन। और आज भी हम आपको देखने को मिलता है कि सरकार उन जगहों पर जहां आपदा आती है, वहां पर राहत कार्यों के लिए बहुत सारे पैसे, खाना पीना सब कुछ सरकार मुहैया कराती है। ठीक वैसे ही सोच फिरोज शाह तुगलक की भी थी। पुनर्निर्माण कार्यों के लिए और राहत कार्यों के लिए वो भी अपने राजकोष में खजाना भरे रखते थे। एक बार फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में एक भयंकर बाढ़ आई जो कि दिल्ली की यमुना नदी से हमेशा आती रहती थी, जिसने दिल्ली के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने तुरंत राहत कार्य शुरू किए और अपने खजाने के मुंह खोल दिए। पुनर्निर्माण कार्य करवाने के लिए उसने जितना हो सके धन लोगों में तकसीम किया। उन्होंने कई पुलों का, सड़कों का और इमारतों का भी निर्माण करवाया ताकि लोगों को बाढ़ के वक्त सुनिश्चित रूप से कुछ सुविधा मिल सके। प्रजा को जल्द से जल्द राहत देने के लिए वो हमेशा कार्य करते रहते थे। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल दिल्ली में यमुना का पानी बहुत दूर दूर तक फैल गया था। बताया जाता है कि दिल्ली का जो लाल किला है उसके साइड में एक किला है, सलीमगढ़ का किला, और उनको मिलाने वाला एक पुल है और उस पुल के ऊपर तक पानी भर चुका था। यानी कि अगर बस भी वहां से जाती तो बस भी आधी डूब जाती थी। तो ये बताया जाता है कि जो ये निर्माण कार्य हुआ है वो यमुना नदी की जगह पर हुआ है। यमुना नदी काफी चौड़ी हुआ करती थी अपने जमाने में, लेकिन धड़ाधड़ तरीके से बहुत ही निडल और निडर होकर नदी की जमीन को निर्माण कार्यों के लिए उपयोग किया गया। सड़कें बनाई गई,
और बिल्डिंगें बनाई गई, और इसका नतीजा ये है कि आज भी जब बारिश आती है तो नदी अपना पुराना रूप लेती है, और जब पुराना रूप लेती है तो पानी वहां तक फैलता है जहां तक नदी हुआ करती थी, और फिर कहते हैं कि बाढ़ आ गई। जब हम किसी के घर में अपना घर बनाएंगे तो फिर टकराव तो होगा ही। ठीक वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ फिरोज शाह तुगलक के जमाने की, जिस वक्त नदी के जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं था, लेकिन बाढ़ के पानी को रोकने के लिए भी कोई खास उपाय नहीं थे, क्योंकि बरसात के दिनों में नदी काफी उफान पर होती थी और उसका पानी अपनी जगह से निकलकर उन जगहों पर जाता था जहां पर किसानों के खेत और घर हुआ करते थे। तो ऐसे में फिरोज शाह तुगलक ने उन जमीनों को सुरक्षित करने के लिए नदी के किनारों को मजबूत कराया, ऊंचा कराया, ताकि नहर का जो पानी है वो नदी का जो पानी है वो घरों तक न आए। इसके अलावा उसने बहुत सारे पुलों का निर्माण करवाया और सरायों का निर्माण कराया और कुछ ऐसी इमारतों का निर्माण कराया जहां पर आपदा के वक्त लोगों को रोका जा सकता था। इससे हमें उसकी दूरदृष्टि का पता चलता है। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक बहुत ही ज्यादा अपनी सोच को ब्रॉडबैंड रखते थे, उनकी सोच आधुनिक थी। अगर मैं बात करूं दास्ता, दास्ता एक तरह का गुलामी जो राज होता है उस तरह का है। गुलामों को रखना, गुलामों को खरीदना, गुलामों को बेचना, उसको दास प्रथा कहा जाता है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने दास प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। उन्होंने हजारों दासों को, यानी कि गुलामों को मुक्त किया और उन्हें समाज में पुनर्वासित करने के लिए विभिन्न योजनाएं भी शुरू की। उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण का अपना कर ये दिखाया कि वो चाहता है कि सबको बराबर अधिकार मिले। जितने दास प्रथा के मानने वाले लोग थे वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में डरने लगे, घबराने लगे, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने दास प्रथा पर रोक लगा दी थी। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता था तो उसको कड़ी दंड दिया करता था। इससे हमें पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक दास प्रथा को खत्म करने के लिए कितना अग्रसर हुआ करता था। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि मुस्लिम जितने शासक हैं वो धर्म कट्टर धर्मवादी होते हैं, वो हिंदू धर्म को या अन्य धर्म को दबाते हैं, जो कि एक फैलाया हुआ झूठ है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक सच्चा मुसलमान किसी को जबरन, जबरदस्ती, धोखे से या किसी अन्य तरीके से धर्म परिवर्तन करने के लिए बुलाता हो। दोस्तों, इस्लाम हमेशा प्यार का पैगाम देता है और प्यार से ही लोगों को अपना बनाता है। यही कारण है कि दुनिया में आज भी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुसलमान है और पहले नंबर पर इस्लाम है, सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तित होने वाले। कहने का मतलब है पूरी दुनिया में लोग जो धर्म परिवर्तित करते हैं उनमें सबसे ज्यादा इस्लाम में ही आते हैं। दोस्तों, अगर मैं फिरोज शाह तुगलक के ज़माने की बात करूं तो फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर मुसलमान तो था ही, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में हिंदू धर्म के अनुयायियों को भी सम्मान और बिल्कुल बराबर का अधिकार दे रखा था। उन्होंने कई हिंदू मंदिरों का निर्माण भी करवाया और कई हिंदू विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया। एक कहानी यह है कि उन्होंने बनारस के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए धनराशि भी मुहैया कराई। फिरोज शाह तुगलक की कहानी बहुत सारी ऐसी है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहां पर मंदिर नहीं थे और कोई लोग भोला भटका भी नहीं जाता था, उन जगहों पर भी मंदिर का निर्माण कराया ताकि लोगों का वहां पर आना जाना शुरू होने लगे, क्योंकि यहां एक हिंदू से भरा हुआ देश था। तो वो चाहता था कि हर जगह पर जहाँ वो चाहता था कि आबादी बढ़े तो वहां पर वो मंदिर का निर्माण किया करता था। दोस्तों, बहुत ही कम इतिहास में ऐसे लोग थे जिन्होंने मंदिर को तुड़वाने की जगह उन्हें बनाने का काम किया, जिनमें से फिरोज शाह तुगलक भी एक है। आज ये खंडर हमें बताता है कि उस जमाने में कितना इंसाफ रहा होगा, कितना लोगों का सम्मान किया गया होगा, लोग कितने खुश होंगे उनके इस राज्य में कि आज भी उनके द्वारा बनाए गए चीज हम देख रहे हैं। यहाँ पर ये पत्थर बयां करते हैं कि किसी जमाने में कोई भी राजा हो, कोई भी शासक हो, कितना अमीर हो, कितना गरीब हो, कुछ भी उनके पास हो या वो खाली हो, एक ना एक दिन सब कुछ यहाँ पर छोड़कर चले जाना है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आपको बता दूं कि ये फिरोज शाह तुगलक किला कैसा लगा आप कमेंट करके बता दें, और मुझे एक लाइक जरूर